प्रायोजक हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। कोरोना वायरस इस संकट से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है और हमारे देश में भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन का आज छठवां दिन है और कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ खबरें हैं जो हैरत में डाल रही हैं और कुछ खबरें जो हैं वो राहत देने वाली भी हैं। राहत देने वाली खबरें ये हैं कि सरकारें बहुत ही संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर और जिनसे जो कुछ बन पड़ रहा है उस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी ने मनरेगा मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए डाल दिए हैं। इंदौर शहर जो मध्य प्रदेश का है उसे हाई रिस्क कैटेगरी में रख दिया गया है, ये हैरत में डालने वाली खबर है। और इंदौर को टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है 1 अप्रैल तक के लिए। कोरोना से ज्यादा अब इंदौर में पुलिस का डर है लोगों को। सायरन सुनते ही घरों में दुबक जाते हैं। जो लोग लापरवाही बरत रहे थे उन लोगों के लिए ये खबर जो है निश्चित तौर पर सबक लेने वाली है। सीएम शिवराज ने भी मजदूरों को राहत दी है। उन्होंने भी जो 1,000 रुपए खाते में डाले हैं मजदूरों के, ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े। छत्तीसगढ़ में भी सीएम भूपेश बघेल ने जायजा लिया हालातों का, लोगों से जाकर मिले, सब्जी विक्रेताओं से मिले, क्या कुछ उनको दिक्कतें पेश आ रही हैं उस बारे में उनसे चर्चा की। यूपी के बरेली में भी जो है मजदूरों पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया है, ताकि किसी भी किस्म का कोई वायरस उनमें हो तो वो ना रहे। सिर्फ बात कोरोना की ही नहीं है, स्वच्छता इसमें एक बहुत अहम रोल निभाती है। अखिलेश यादव और मायावती ने प्रियंका गांधी के की निंदा की है। राजनीति भी हो रही है इन दिनों मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर। उत्तर प्रदेश में मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाया गया है। तो ये कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की जो स्थिति है पूरे देश में और इसको लेकर जिस तरह से सरकारें, केंद्र सरकार तो मदद कर ही रही है, राज्य सरकारें भी अपने अपनी तरह से लोगों को राहत देने का काम कर रही हैं। मजदूरों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रोजी रोटी का संकट जिनके सामने है, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो और वो घरों में हैं तो उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और मरीजों की तादाद हमारे देश में अफसोस है कि बढ़ती जा रही है कोरोना के, और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन राहत देने वाली बात यह भी है कि लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो ठीक भी हो रहे हैं, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालांकि किस तरह से चीजें हो रही हैं हमारे देश में, स्वयंसेवी संगठन भी लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता हैं, ब्रजेश पांडे हैं, कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, और हमारे ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत इस चर्चा में। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हैरत में डालने वाली खबरें भी आ रही हैं, और हैरत इस बात की है कि जिस तरह से बड़े शहरों से मजदूर पलायन कर रहे हैं, पैदल घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं, उनके हालात जो हैं बड़े देखकर तकलीफ होती है। हालांकि सरकारें भी मदद कर रही हैं, स्वयंसेवी संगठन भी मदद कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है हमारे देश में, ठीक भी हो रहे हैं लोग और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो कई तरह की खबरें इस वक्त देश से आ रही हैं मिली जुली। इस खबर पर हम सीधे सबसे पहले चर्चा करते हैं रिजवान जी, जो देश के मौजूदा हालात हैं, आज छठवां दिन है लॉकडाउन का और इंदौर में जिस तरह का कदम उठाना पड़ा जिला प्रशासन को, क्योंकि वहां पर जो है कोरोना पॉजिटिवों की मरीजों की संख्या भी बढ़ी है, मौतें भी हुई हैं, और लिहाजा जिस तरह से सख्ती दिखाई गई है, कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है, सायरन बजते ही लोग घरों में दुबक रहे हैं, पुलिस का खौफ अब वहां कोरोना से ज्यादा भारी पड़ रहा है, ये हालात पूरे मध्य प्रदेश में ना हो, देश में इस तरह के हालात ना बने,
ये सब हम उम्मीद करेंगे और लोगों को समझ में अभी आए क्योंकि क्या वजह है कि सरकार को अब लोगों की लापरवाही की वजह से शायद ये कदम उठाना पड़ रहा है, विवश हो रही है सरकार, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, जिस तरह से इंदौर सबसे अधिक संवेदनशील है, मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें, इंदौर सबसे अधिक संवेदनशील है। जाहिर है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी जुड़ा हुआ है इंदौर जी, उसके अलावा बस मार्ग से भी लगातार इंदौर मुंबई और पुणे से जुड़ा हुआ है जी, और इंदौर एक बड़ा शहर है जी, बहुत विविधताओं से भरा हुआ शहर है, वहां बहुत अलग अलग जगह से लोग आकर रहते हैं, बड़े पैमाने पर मजदूर भी वहां पर हैं, बड़े से लेकर मजदूर, और जाहिर है कि अभी तक कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादातर उन लोगों में, उस तबके में है जी, जो गरीब नहीं है जी, तो जाहिर है वो बाहर से आए हैं और उनकी वजह से इस तरह की चीजें पड़ी हैं जी। लेकिन अब इसकी का खतरा जो है, आशंका जो है, वो बढ़ती जा रही है उन आम लोगों तक भी जी, और अगर उससे बचना है, उससे बचाना है सबको, तो उसकी कोशिश करनी पड़ेगी और सबको एकजुट करना होकर करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, प्रशासन क्या करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। और जिस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है जी, अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो जाहिर है हम किसी और गंभीर खतरे की तरफ बढ़ जाएंगे, जिससे निजात पाना जल्द बहुत मुश्किल होगा। ये सबको समझना चाहिए, अपनी रक्षा करें, अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा की भी चिंता करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत स्थिति भयावह हो सकती है जी, की बात नहीं है जी, लेकिन ये सावधानी की बात है जी, इसे समझना पड़ेगा। और इंदौर में जिस तरह की स्थितियां हैं जी, वो सबसे गंभीर है अगर मध्य प्रदेश के उसमें देखें तो जी, तो सबको सहयोग करना चाहिए और डरना भी चाहिए लोगों को जी, पुलिस से भी डरना चाहिए, प्रशासन से भी डरना चाहिए जी, और इस बात से भी डरना चाहिए कि वो किसी बड़े खतरे को मोल तो नहीं ले रहे और उनकी वजह से कोई दूसरा खतरे में तो नहीं है जी। रिजवान जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना संकट से तो पूरी दुनिया लड़ रही, लेकिन अभी जरूरत है खुद की आदतों से भी लड़ना भी हमें जरूरी है, कि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, निकल जाते हैं बाजारों में, और वही जो वजह है कि जिस वजह से सख्ती दिखाना पड़ी इंदौर प्रशासन को और टोटल लॉकडाउन किया गया, सख्ती बरती जा रही है। गुरुदेव शेख जी, सरकारें भी जो हैं, केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से जो मदद कर ही रही है, राज्य सरकारें भी जो खुलकर मदद के लिए आगे आ रही हैं, आज जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी जो है मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए डाले हैं ताकि उन्हें आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े, और जैसा भी रिजवान जी कह रहे थे कि लोगों को इस चुनौती को समझना पड़ेगा, एक बहुत गंभीर समस्या और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, और दिशा निर्देशों का पालन पूरी तौर से करना चाहिए हमें जो सरकार दे रही है, और डरना भी चाहिए, क्या कहेंगे? थोड़ा सा समय देंगे जी, क्योंकि मैं जब भी बात कर रहा हूं आपसे, मैं प्रवक्ता के साथ में एक डॉक्टर जी जी बिल्कुल बात कर रहा हूं, और मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि इंदौर की जनता भी सुन रही होगी। देखिए, भारत के सामने एक चुनौती तो है, लेकिन एक सकारात्मक पक्ष यह है कि हमसे पहले दूसरे देशों में बहुत कुछ हो चुका है, तो हमारे पास जो डाटा आया है उस डाटा को एनालिसिस कर हम जो उन्होंने पॉजिटिव किया वो कर रहे हैं और जो उन्होंने गलतियां की उससे बच रहे हैं। जनता से, क्योंकि जनता को समझ में आए इंदौर विशेष की कि हम ये सब क्यों किया जा रहा है, मैं कुछ डाटा आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं आरंभ करूंगा इटली से। इटली के दो प्रांत, एक ही देश के दो प्रांत, एक प्रांत तो है लोमार्डी जहां सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, 50% से अधिक डेथ केवल एक ही प्रदेश में हुई है इटली, जिसका नाम लोमार्डी है। दूसरा जो प्रदेश है वह है वेनेटू, जहां वेनिस की सिटी भी आती है, वो वेनिस की सिटी जो है पूरी तरह से पानी से डूबी भी रहती है, पानी रोड्स की जगह वहां पानी में नौकाएं चलती हैं, तो वहां सबसे ज्यादा संक्रमण होने का खतरा था, लेकिन आप देखिए इतना संक्रमण वहां नहीं पहुंचा। उसका कारण यह है कि जो लोम्बार्डी में जहां 50% डेथ हो गई है, वहां उन लोगों ने क्या कि जिसको हम कहते हैं कि जहां आग लगी है वहां जाए वो उसको कंट्रोल करें, ताकि पूरे के पूरे शहर को कंट्रोल कर लें, कहीं आग नहीं लग पाए, वो फैल नहीं पाए। तो क्या कर रहे थे, एक एक घर पे जहां पे संदेह हो रहा था जा रहे थे,
उसको चयन कर रहे थे, उस घर विशेष का आइसोलेशन कर रहे थे, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहा और उसकी वह आज प्राइस पे कर रहे हैं। जबकि उनके पड़ोसी राज्य, उसी देश के पड़ोसी राज्य वेनेजुएला ने क्या किया, उन्होंने होम आइसोलेशन, कंप्लीट होम आइसोलेशन कर दिया। तो उसका सबसे बड़ा लाभ यह मिला उनको कि आज उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, उनके अस्पताल हुए नहीं, हम भी यही कर रहे हैं। दूसरा मैं उदाहरण जनता को दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि इतना संसाधन नहीं है, वो नहीं है, हालांकि हमारे पास संसाधन है। मैं एक चीज को मानूंगा कि हमारे पास स्विट्जरलैंड इतने संसाधन तो नहीं है, स्विट्जरलैंड बहुत अमीर देश है, संसाधन साधन युक्त देश है, जनसंख्या कुल 85 लाख लोग है बस, लेकिन वहां पर अभी पर कैपिटा जो रेशो है, जो प्रति व्यक्ति रेशो है, सबसे ज्यादा संक्रमण वहीं पर हुआ। उसका कारण क्या है, उन्होंने अपनी बॉर्डर्स को, अपनी सिटी को सील नहीं किया। डायरेक्ट लोकतंत्र नहीं है, डायरेक्ट लोकतंत्र इनडायरेक्ट नहीं है, वहां पर कोई भी कानून के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता की राय लेना पड़ती है, वोटिंग कराना पड़ती है। बिल्कुल, गुलरेज जी, हमें जी बिल्कुल हमें समझना होगा कि जो सहयोग करें। मैं मानता हूं समस्याएं हैं, मैं मानता हूं कि चुनौतियां हैं, लेकिन हम यह सब करके चुनौतियों से लड़ लेंगे बहुत जल्दी पार पाएंगे। जी ब्रजेश जी, आपके आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है ये कि जिस देश में इतने विरोधाभास हो राजनीतिक दलों में, लेकिन फिलहाल किसी किस्म की कोई राजनीति होती दिखाई नहीं दे रही इस मुद्दे पर, लेकिन विपक्षियों के द्वारा कोई ऐसे प्रयास भी होते दिखाई नहीं दे रहे जो लोगों की मदद के लिए किए जाना चाहिए। इस वक्त सबको एकजुट होने की जरूरत है, जहां तक जिससे जो बन पड़े सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सुखद समाचार देखने में विपक्षियों की तरफ से नहीं आ रहा कि वो भी, उनकी कोशिशें भी इस लड़ाई में पूरी तरह से की जा रही हैं और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। जी अविनाश जी, जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जी जहां तक विपक्ष की बात है, जी तो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जी अपने सांसद निधि की संपूर्ण राशि कोरोना पीड़ितों को दान कर दिया, और उन्होंने कहा इसके अलावा जी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी से लेकर के देश के कांग्रेस के सभी चोटी के पहली पंथ के नेताओं ने अपने अपनी जो सांसद है धनराशि जो है कोरोना पीड़ितों को दे दिया। जहां तक सवाल मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख चैनल के ग्रुप लीडर साहब अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, ब्रजवान भाई जान से मैं सहमत हूँ इस मामले में, क्योंकि इंदौर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो है ही, बिल्कुल मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी भी है जी, और इंदौर के अंदर कोरोना को लेकर के हाई रिस्क कैटेगरी में उसे रखा गया है जी। अकेले मध्य प्रदेश में 39 मरीजों में से जी तकरीबन 27 मरीज इंदौर में मिले, बिल्कुल। तो मेरा कहना यह है कि आज ये सब राजनीतिक लाग लपेट से हट करके जी इस आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान के बाद, आदरणीय श्री गुलाम नबी आजाद साहब के आह्वान के बाद, हमारे देश के सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रहेंगे, हम सब सुरक्षित रहेंगे, तो देश सुरक्षित रहेगा। इसमें न कोई जात पात की बात है, न कोई पार्टी वाइज बात है, क्योंकि कोरोना का एक सूत्र है और उसका काम है केवल फैलना, और फैल करके इस दुनिया को लाशों के सैलाब में बदल देना। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि इस पर जरा से भी राजनीति सोची जाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी ने आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब से मिलकर के यही कहा जी, कोरोना को लेकर के समूची कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है जी, आपको जहां जैसी मेरी आवश्यकता पड़े बिल्कुल और हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, आप आदेश करें, और हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भी ये सब जानते हुए भी कि संक्रमण का इतना वायरस फैलता है, वो जगह जगह जा रहे हैं जी। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जी कि आज हम सबको अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1271 हो गई। हम सबको इस ग्राफ को देखना है, ये सोचना है और इस दिशा पे कदम उठाना है। सोशल डिस्टेंस बनाए, घर में रहें, सरकार की बताई हुई नीति, रीति और सिद्धांत का अनुपालन। रिजवान जी, एक बात आपको बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है उत्तर प्रदेश से कि वहां पर एक फैक्ट्री में कई मजदूर थे और जब वो बाहर निकाले गए तो उनमें से 6
मजदूरों को कोरोना पॉजिटिव जो है निकला है। तो अभी तक जो था ये कि जो लोग विदेशों से आए हैं उनके द्वारा ये कोरोना जो है संक्रमण फैला, लेकिन और ये भी कहा जा रहा था कम्युनिटी में ना फैले, अब उस स्टेज पर हमारा देश अभी हाल फिलहाल में नहीं था, लेकिन जिस तरह से ऐसी खबरें आ रही हैं ये हैरत में डालने वाली भी हैं, डराने वाली भी हैं। तो ऐसी स्थिति और ज्यादा ना हो इसके लिए प्रयास भी जाहिर तौर पर किए जा रहे होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको कि अब और ज्यादा कितना सचेत होने की जरूरत है और आने वाले दिन जो हैं हमें लगता नहीं कि ये इस संकट से बहुत जल्द ही राहत मिलने वाली है, समय लगेगा, रिजवान जी क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, 21 दिन का लॉकडाउन जी, इसको लेकर कैबिनेट सचिव ने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है इस तरह का और उन्हें बहुत हैरत है जी कि इसको आगे बढ़ाए जाने की भी बात की जा रही है जी। लेकिन सच्चाई यही है कि क्या 21 दिनों से हमारा काम चल जाएगा जी, ये मुझे मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को जो इस तरह की चीजें इसके लगातार टच में है जी, और गुलरेज शेख भी हमारे साथ हैं जी, एक चिकित्सक भी हैं जी, हमें नहीं लगता कि 21 दिनों से ये काम चलने वाला है जी, इसलिए कि हम थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जी। और जैसा कि उत्तर प्रदेश की ये जो रिपोर्ट है जी, इस तरह की क्लास में पहले भी आ गया, आगरा में जी आ चुका है जी, वो जो गाइड है या टैक्सी वाले हैं वो उसी तकरीबन उसी वर्ग से आते हैं जी, वो इससे प्रभावित हो चुके हैं जी। लेकिन वो प्रभावित किन की वजह से हुए हैं? जो एलीट क्लास है जी, जो हवाई यात्रा करता है विदेशों में जी, उनमें पहुंच चुकी है वो चीज जी। और हम किसी व्यवस्था को किसी सिस्टम को दोष देने का वक्त नहीं है जी, लेकिन हमें इस बात की आज नहीं तो कल हम इसकी समीक्षा करेंगे जी, और उस पर हम जब चर्चा करें जी, तो हमें ये बात सोचनी पड़ेगी जी कि 15 लाख लोग देश में आए जी, जो हवाई यात्रा करके आए जी, जाहिर है एयरपोर्ट के माध्यम से ही आए जी, उन 15 लाख लोगों के मामले में हमने क्या सावधानी बरती? बिल्कुल सही कहा आपने जी, हम सावधानी बरत रहे थे या हम सावधानी बरतने में चूक गए जी, या हम वक्त से काम कर जी, हमने बहुत पहले कोई हाइप नहीं क्रिएट की जी, लोगों में दहशत पैदा ना हो इसलिए कि देश में जिस तरह से ये फैलने वाला था जी, वो आने वाले वक्त में फैलने वाला था जो जिस वक्त से जिस दौर से हम गुजर रहे जी, तो हो सकता है सरकारों ने उसकी WHO की बाकी रिपोर्ट बाकी सारी तरह की इसकी बहुत ढेर सारी समीक्षाएं करनी बाकी जी, लेकिन ये स्थिति बेहद अलार्मिंग है जी, हम खतरे के निशान तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं, इसलिए कि अगर ये उस क्लास में मिलने लगा है जी, जो मजदूर है गरीब है उसी बात की चिंता थी, सही बात है जी जी, उसकी चिंता हम लगातार कर रहे थे जी, हम पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से इस बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो हम इस बात की चिंता कर रहे थे कि अभी तो ये उन लोगों में है जो आबादी में क्लास भी कम जी, है, सही है या एक परिवार में कम संख्या में रहते हैं जी, लेकिन ये उन गरीब तबके में अगर पहुंच जाएगा जी, तो उसको उस तरह का इलाज वहां तक पहुंचना, बिल्कुल सही कहा आपने, वो उन सिम्टम्स को समझ सकेगा, वो किसे सूचित कर पाएगा जी, इस सब चीजों को भी और डेवलप करना पड़ेगा जी, और देश के पास जांच किट कितनी जी, हम कितने, इसलिए कि इसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, कदर बेहतर बताएंगे जी, अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, तो क्या हम जिन लोगों में बहुत ही संदिग्ध मानते हैं उन्हीं की जांच करेंगे? बहुत तरह के फ्लू हैं, उसको लेकर लोगों में डर भी है जी, और कई तरह की आशंकाएं भी हैं जी, तो हम कितने लोगों की जांच कर पा रहे हैं जी, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है। एक सवाल आपने और किया था जी ब्रजेश पांडे जी से जी, विपक्ष जी, ऐसे समय विपक्ष क्या कर सकता है जी? विपक्ष एक सकारात्मक सहयोग कर सकता है जी, विपक्ष सरकार को बहुत निशाने पे नहीं लेगा जी, विपक्ष बहुत ऐसी चीजों में कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं खड़ी करेगा जी, विपक्ष ऐसे समय में बहुत डराएगा नहीं लोगों को जी, विपक्ष बहुत ऐसी चीजों को जिसे वो अवगत है जी, जिसे बताने से जनता के बीच में लाने से पैनिक फैल सकता है जी, उसका जिक्र नहीं करेगा जी, यही कर सकता है विपक्ष जी, या अपने कुछ वॉलंटियर्स बाहर निकाल के जी उनके माध्यम से कुछ काम कर सकता है जी, तो विपक्ष
मुझे लगता है कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका में है जी, ज्यादातर ऐसे सवाल भी नहीं खड़े कर रहा है जी, और अगर विपक्ष में कोई सवाल खड़े करता है तो विपक्ष का दूसरा ही अंग जी कहीं ना कहीं, जैसा अभी हम अखिलेश यादव और मायावती का जिक्र कर रहे थे जी, कि उन्होंने प्रियंका गांधी के किसी बयान पर आपत्ति जताई है, ये चीजें लगातार हो रही है। एकजुटता का मामला है जी, सरकार को भी सर्वदलीय आधार पर सभी से सहयोग लेना चाहिए, एक सर्वदलीय कम से कम चर्चा होनी चाहिए जी, जैसे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं जी, ये चर्चाएं मीडिया से भी बहुत व्यापक स्तर पर होनी चाहिए, बिल्कुल सही, और उसके साथ साथ विपक्षी दलों से भी होनी चाहिए और आप उन्हें भरोसे मिले जी, ये इस समय एकजुटता का वो है, इसलिए कि देश बड़े संकट से गुजर रहा है जी, और देश ही नहीं पूरी दुनिया इस संक्रमण से प्रभावित है, बिल्कुल का, तो हमें उसकी ऐसी चिंता करनी पड़ेगी जी। बोलिए जी, कई जो विकसित देश हैं, अमेरिका का हम मिसाल लें, अमेरिका हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर जो है जिस तरह के हालात बन गए, और वो सिर्फ बने हालात लापरवाही से, आज हमारे देश में पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन वहां भी अमेरिका में कई देशों कई शहरों में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और अभी भी वो संक्रमण फैल रहा है, और यही कारण है कि वहां आंकड़ा इस तेजी से बढ़ा है। दूसरी बात, हमें उन देशों का उदाहरण लेकर अब अगले कदम ऐसे क्या उठाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि घर में ही रहना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, हाथ धोना है वगैरह वगैरह, जो भी चीजें लगातार बताई जा रही हैं विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से, हम भी अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बाहर निकलें तो मुंह पर जो है मास्क लगाकर निकलें, हाथों में ग्लव्स लगाकर निकलें और लोगों से एक डिस्टेंस बनाकर रखें। लेकिन अब जो जिन देशों ने इस महामारी का सबसे बड़ा रूप झेला है, झेल रहे हैं, उनसे सबक लेकर जो हमारे देश में हो रहा है और आगे क्या स्टेप उठाना चाहिए, इस पर कोई मशवरा देना चाहेंगे आप? एक दुनिया में कोई भी स्थापित ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है, जो ट्रीटमेंट आ रहा है और जो लोग बातें करते हैं कि इतने दिन कोई टीका आ जाएगा या नहीं होना जी, बोले जी थोड़ा संक्षेप में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा कम जी, जी, और अभी जो ट्रीटमेंट सामने आ रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो या इबोला की ड्रग हो, वहाँ हम भी उसका उपयोग कर रहे हैं उन केसेस पे जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी भी कोई निश्चित नहीं है। बाकी जो सिम्टोमेटिक हो रहा है वो तो हो रहा है, वो बॉडी अपने आप रजिस्टर करके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ 80% केसेस में अच्छे लक्षण दिखाती है। हम भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का उपयोग भी कर रहे हैं जहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन जहां तक बात है 21 डेज लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड करने की, देखिए यदि यह सक्सेसफुल होता है तो इसका परिपालन किया जाता है, तो आज जो केसेस आ रहे हैं आप मानकर चलिए ये 14 दिन पहले संक्रमित हुए थे, क्योंकि इसका जो समय अवधि होती है लगभग 14 दिन होती है लक्षण संक्रमण होने से लेकर लक्षण के आने तक। यदि इस लॉकडाउन को ढंग से पालन किया जाए तो हो सकता है इसके बाद लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ब्रिजेश जी, जैसा अभी रिजवान जी कह रहे थे कि विपक्ष बिल्कुल सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, विपक्ष ऐसा कोई दबाव नहीं बना रहा सरकार पे, सत्ता पक्ष पे, कि वो सरकार को किसी घेरने के प्रयास किए जा रहे हो, और जो उसको भूमिका निभाना चाहिए थी भूमिका निभा रहा है। आपको क्या लगता है ऐसे संक्रमण काल में जो देश पर एक संकट है, इस वक्त क्या कुछ जनता तो जो है वो अपीलें की जा रही है, सब तरफ से अपील उनसे हो रही है, क्या कुछ अब विपक्ष को करना चाहिए और क्या कुछ आगे किया जाएगा, क्या कहेंगे आप? अविनाश जी, मैंने आपसे पहले ही हाथ जोड़ करके आग्रह किया जी कि रिजवान सिद्दीकी साहब मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति प्रखर संपादक जब बैठे हो जी, ज्ञान के चक्षु पिपासा है वो जी, मेरा आग्रह सिर्फ यह है जी, भारतीय राजनीति में विपक्ष को जो भूमिका का निर्वहन करना चाहिए जी, उस गुरुतर दायित्व का वो संपूर्ण निर्वहन करना जी, कारण श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने मोदी जी को बराबर पत्र लिखा, कांग्रेस के नेशनल मीडिया स्पोक्स पर्सन सुरजेवाला जी ने पत्र लिखा और कहा कि आपको जहां जैसी हमारी आवश्यकता पड़ी कांग्रेस आपके साथ एक पैर से खड़ी। मध्य प्रदेश में आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने यही कहा, तीन तीन चार चार पत्र लिखा, साथ में यह भी कहा कि अगर आपको लगता है कि इसको और अच्छे से अपन ठीक कर सके, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जो सेंसिटिव प्लेस हैं, तो इसके लिए आप इस सोशल नेटवर्किंग के जमाने में चाहें तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यदि उन्होंने विपक्ष को बुलाया तक नहीं था जब उन्होंने अपने बहुमत सिद्ध किया, लेकिन इन सब
दुराभासों को दूर करते हुए भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि आप जिससे कि वो जिलावार मंत्रियों की जिम्मेदारी बिल्कुल तो ब्रजेश जी समय थोड़ा सा समाप्त हो रहा है हमारे पास। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा से लेके तमसो मां ज्योतिर्गमय की तरह हम आप सबको अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने की जरूरत। रिजवान जी आखिरी सवाल आपसे, सवाल नहीं है इल्तिजा है, हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में? कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री घर में लूडो खेल रहे हैं जी, कोई घर में खाना पका रहा है जी, कोई घर में साफ सफाई कर रहा है, इसको लेकर हम मखौल उड़ा जी। और दूसरी तरफ कुछ नेता जी जो सड़कों पर हैं जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हैं जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल जी, और ये बहुत असुरक्षित रूप से सड़कों पर बाहर है जी, इन्हें स्वयं की भी सुरक्षा की गंभीर रूप से चिंता करनी चाहिए जी, इसलिए कि इन पर बहुत कुछ निर्भर है जी, और इन्हें पूरी तरह से आइसोलेट होकर बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ एक मास्क नहीं बचा सकता आपको जी, आपका सर खुला है जी, आपके शरीर के अंग हिस्से खुले हुए हैं जी, आप कोई एप्रन नहीं पहनते हैं जी, आप कोई ग्लव्स नहीं पहनकर निकल रहे हैं जी, अगर आप इस तरह से कर रहे हैं जी, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। और यही सारी चीजें, यही सारी सुविधाएं हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को, हमारे पुलिस प्रशासन को, जो प्रशासन के लोग हैं सबको उपलब्ध कराना चाहिए जल्द से जल्द जी, इसलिए कि इसका गंभीर अभाव दिख रहा है जी, ये एक वैसा हो जाना चाहिए जैसा मैं समझता हूँ जी, विदेशों में जिस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि कहीं कहीं फायर फाइटर्स जिस तरह से जाते हैं पूरी तरह से अपने आप को हेलमेट और सारी तरह की चीजों से बंद करके जाते हैं और पूरा बाकायदा एक जैकेट वगैरह सब पहन के जाते हैं जी, वो बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जी अब जनता की जवाबदारी है, इसलिए कि डॉक्टर गोलेश सर कह रहे हैं कि 21 दिन से आगे नहीं बढ़ेगा यदि पालन हो जी, ये यदि ही तो नहीं हो रहा जी, हमने देखा है बड़े महानगरों से बिल्कुल सही बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं जी, बड़ी इसलिए कि वो जहां रहते हैं एक छोटे कमरे में पांच पांच दस दस लोग रहते हैं जी, तो जाहिर है वो सोशल डिस्टेंस नहीं बना सकते जी, वो जब सड़कों पर निकल आते हैं हजारों की संख्या में तो सोशल डिस्टेंस तो समाप्त ही हो गए। बिल्कुल सही कहा, फिर वो बसों पर बैठ रहे हैं, बाकी जगहों पर जा रहे हैं, तो ये स्थिति जो अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, ये स्थिति उत्तर प्रदेश बिहार के तरफ लोग बहुत बड़ी संख्या में वापस जा रहे हैं जी, मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही है इस तरह की, बुंदेलखंड में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लौट रहे हैं जी, इंदौर में भी लौट रहे हैं, मालवा में भी लौट रहे हैं जी, तो ये जो चीजें हैं इसे सबको ध्यान रखना होगा और हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंच जाए, इसलिए कि हमारे पास आज रिपोर्ट आई है भोपाल और रायसेन के बीच में, भोपाल जिले में बिल्कुल भोपाल शहर से लगी हुई एक बस्ती में जहां हमारे संवाददाता को लोगों ने अपने घर के खाली बर्तन दिखाए, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो जब ये राजधानी के नजदीक इस तरह की चीजें हैं तो बाकी जगह क्या होगा। लोग बार बार चीख चीख कर कह भी रहे हैं कि कोरोना से मरे कि भूख से मरे, पहले हमको भूख मिटानी है, इसलिए ये बहुत जरूरी है जी, शासन प्रशासन स्तर पर और हमारी मीडिया की भी बहुत जवाबदारी है कि ऐसे लोगों को अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुंचा सकें जी, और लोगों की भी जवाबदारी है कि धैर्य रखिए, जिम्मेदार बनिए, मत निकलिए घर से। आज सोशल मीडिया का युग है, आपके पास अपनी बात कहने सुनने का बहुत ढेर सारे, बहुत सही बात है, अपनी बात कहिए लेकिन जिम्मेदारी से कहिए, किसी भी तरह से कोई अफवाह मत फैलाइए, अफवाह का हिस्सा मत बनिए जी, और न डरिए न डराइए जी। बिल्कुल सही कहा आपने, सावधान रहिए, बहुत जरूरी। बिल्कुल सही कहा आपने रिजवान जी, क्योंकि एहतियात बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो अहम बात आपने कही कि जो जिन लोगों तक जरूरी सामान पहुंचना चाहिए उसकी कोशिश सरकार को करना चाहिए, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुले हाथ घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और वैसे ही स्थिति में घूमते हुए हम तस्वीरें हमने देखी कि भूपेश बघेल भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रख नहीं रहे, तो अब ये जब सुरक्षा की बात करते हैं, आइसोलेशन में जाने की बात करते हैं, तो इन्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनका ही अनुसरण दूसरे लोग भी करेंगे।
पुलिस कर्मी, स्वास्थ्य कर्मियों तक जरूरी किट और जरूरी सामान भी सरकार जल्द से जल्द पहुंचाए, तो ये भी बहुत जरूरी है। लोगों तक जो राशन पहुंचे, जो गरीब हैं, जो घरों में कैद रहने की बात तो ठीक है, लेकिन उन तक खाना भी पहुंचे, तो ये तमाम चीजों पर सरकार को ध्यान देना होगा। जितना प्रयास किया जा रहा है उसमें और तेजी लाना होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।